खूबसूरत दिखती है, पर जो गुनाहों के खिलाफ लड़ते हैं उनकी दुनिया थोड़ी अलग है। इस दुनिया में तीन मार्केट्स हैं, ओपन मार्केट, डीप मार्केट, डार्क मार्केट। ओपन मार्केट, इसके बारे में तो सबको पता है। डीप मार्केट, अगर कोशिश करेंगे तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। डार्क मार्केट, ये बहुत ही रहस्यमयी है, इसके बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। देश की मौजूदा इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को यही मार्केट चलाती है। पावर ब्रोकर, किंग मेकर्स एंड बिग बिजनेसमैन इस मार्केट में हर वक्त एक्टिव रहते हैं। वेपन इंडस्ट्रीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स, ये इनका मेजर इनकम सोर्स है। ये गोल्डन हॉर्स ड्रग कार्टल पूरे एशियन कंट्रीज का बैकबोन है, कंट्रोल्ड बाय जोसेफ एंथन। इंडिया में दो सिंडिकेट हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी को हैंडल करता है स्कॉर्पियन सिंडिकेट, इसे रतनलाल कंट्रोल करता है। ये सदर्न टेरिटरी है, कंट्रोल्ड बाय जयदेव गायकवाड़। इस सिंडिकेट का बैकबोन है प्रताप हर्ष, अ मेजर पावर ब्रोकर। ये सांगवी बार आइलैंड है, साउथ का मेजर ड्रग लैंड। इसको चला रहा है प्रताप हर्ष का बेटा बाली हर्ष। अजीब बात यह है, यहां पर बहुत सारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स की समाधि है। इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है एनसीबी ऑफिसर जगन ने। एक इंसान ने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर की है, मतलब ही इज रियली ग्रेट सर। आई थिंक दिस इज इनफ टू मूव फॉरवर्ड सर, गेट रेडी। करता हूं कि जो मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए। नमस्ते सर। लगता है तुम्हें आए काफी टाइम। इट्स ऑलराइट सर। देश को चलाने वाले राजनेता हैं ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी है कॉर्पोरेट बिजनेसमैन। नमस्ते मिस्टर प्रताप हंस। मेरे कॉलेज डेज से आई एम अगेंस्ट ड्रग्स, इट्स अ डेविल्स थिंग। लेकिन जब से हमने पार्टी शुरू की है इसके खिलाफ हम लड़ते ही जा रहे हैं और हासिल कुछ नहीं हुआ। चार महीने में हम अपना टारगेट अचीव करवाएंगे, इसका मुझे डाउट है। ऐसे में आप मुझसे परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अप्रूव करने को कहा है। गॉट इट सर, यू कैरी ऑन। थैंक यू सर। सर, मिस्टर आचार्य, इट्स अ वर्ल्ड माफिया। उनकी बात करने का तरीका ऐसा था जैसे कि वो वार्निंग दे रहे हो। 3 महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। इस सर्विस को ज्वाइन किए हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे। आपका मतलब है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे सर? प्रवीण, कई बार प्लानिंग करने के बाद भी वो अचीव नहीं होता जो बिना प्लानिंग के अचीव हो सकता है। Who gave you the deal to kill my brother? I don't know, sir. I hate lies. I hate crimes. I am a bad criminal. Anthony, Joseph Anthony. Please stop killing me. Sir, we've been preserving these bodies for the last 10 months. It'll be difficult for us to preserve them for more days. अगर इन बॉडीज को दफन किया तो मेरे इमोशंस भी दफन हो जाएंगे, पेन खत्म हो जाएगा, वो यहां चुभनी चाहिए। सर, इनफॉर्मर्स आ गए हैं। प्रिजर्व इट। यस। तुम्हारे भाइयों को मारने की सुपारी देने वाला कोई और नहीं है, योर ओल्ड फ्रेंड जयदेव गायकवाड़ सन विजय गायकवाड़। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजना। तुमने बातों को सीरियसली नहीं लिया। वी आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस, वी आर कैंसलिंग द डील। लगता है बेटे के लिए इमोशन का पलड़ा दोस्ती के अफेक्शन से कुछ ज्यादा भारी हो गया है। Shall we kill him, sir? No! वो एक बार में नहीं मरना चाहिए, उसे हर पल मरना होगा। मैं चाहता हूँ उसकी हार्ट बीट 72 टाइम्स से 144 टाइम्स पहुंच जाए। इस इंसिडेंट से इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कोलैप्स हो गया है। उसे एहसास दिलाओ, जिंदा रख के उसके बाप को मार दो। Thank you.
इंस्टॉलमेंट तो लग ही नहीं रहा। ये सिर्फ किलिंग नहीं है, इट्स वार्निंग। इस वक्त आपकी और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गन पकड़े 100 लोगों का झुंड नहीं चाहिए, बस एक गन जैसा पावरफुल आदमी चाहिए जो दुश्मन के सामने दीवार भी बने और जो दुश्मन के दिल में बेझिझक गोली भी उतारे। सर, सुबह हमारे बॉस की बेटी शादी अटेंड करने के लिए बैंगलोर गई थी। सुबह 12 बजे वो बैंगलोर पहुंची, 1 बजे उन्होंने शादी अटेंड की, लेकिन 2 बजे से उनका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है सर। 4 घंटे से लगातार हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं सर। MG रोड में जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उन्हें देनी पड़ेगी, इस बात की वो डिमांड कर रहे हैं। वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली? MG ग्रुप के प्रताप अरस है सर। ये बिजनेस कंडीशन है, अगर आप लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो प्रेस और मीडिया हमें जीने नहीं देगी सर। बेटी के वेडिंग है सर। नाम बताओ सर। मैं ठीक हूँ स्वामी। MG ग्रुप्स प्रताप अरस। मेरे से नहीं होगा सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। बेंगलुरु में जे विंग्स नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी है सर। वहाँ पर एक पावरफुल पर्सन है सर। अगर वो ठान ले तो लाइफ में वो कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। कल सुबह होने से पहले मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए। मेरा बाप जितना बिजनेस से प्यार करता है उतना वो तुझसे भी नहीं करता। इसका मतलब यहाँ से तेरा जिंदा जाना मुश्किल है। इसकी तो क्या हुआ सर? हमारे ऑपोजिट जे विंग्स आ गया सर। तुम्हारी चूड़ा टीम को उतार। ट्रैक रिस्क लग रहा है कैप्टन। रेस में उतरने वाला कौन है? जॉकी। छोटे मोटे रेस में वो नहीं उतरते, और अगर उतर गए तो वो होता है वन मैन शो। I'm gonna make it.
घेर लिया है, डर नहीं लगता है तुझे? खामोश क्यों बैठा है? कौन है तू? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। वो मिक्की माउस नहीं कि तुम पकड़ लोगे, वो पावर हाउस है। नाम सुनते ही जो बोलता है नहीं झुकूंगा वो भी झुकता है। कंपीट करने से पहले कंपेटिटर के बारे में कंप्लीटली जान लेना चाहिए। विदाउट परमिशन के घुसपैठियों का बाहर जिंदा वापस जा पाने का आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे पहले से ही रिकॉर्ड्स तोड़ने की आदत है। बॉयज, किल हिम। Thank you.
से मिलना चाहता है सर, ओवर। क्या बोल रहे हैं? संतोष सर से मिलने की बात कर रहे हैं सर, ओवर। उनको भी उन्हीं से मिलना है क्या? हाँ, भेजो नहीं। ओ, सारे मेन इन ब्लैक में। ए, संतोष कौन है? आप कौन है बताएंगे? ए, हमें एमजे ग्रुप से भेजा गया है। कहाँ है वो? हाँ हाँ, संतोष सर। क्या हुआ? हमारे बॉस को आपसे मिलना है, चलो चलते हैं। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हमारे बॉस। तो फिर यहाँ किसे आना चाहिए? हमारे बॉस को। तो बुलाओ। असली पंच तो सर के डायलॉग में है, इसीलिए बॉस पावर स्टार है। बॉस अब भी औकात पे आया। आपसे एक मिनट के लिए पर्सनली बात करनी है बॉस। इसने तो पैर पकड़ लिया। तूने पहली बार देखा होगा, बाकी दुनिया ये बात पहले से जानती है। उठ जा, उठ। मुझ पर दया करके आप कुछ भी करके आ जाइए, नहीं तो 10 लोगों का काम चला जाएगा। ये सब पेट के लिए कर रहा हूँ, प्लीज मान जाइए बॉस। अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले बताना चाहिए था ना। चलो, थैंक यू बॉस। बॉस तो मान गए। उनसे प्यार से बात करने वालों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए तुम्हें कहते हैं अब। संतोष, संतोष आओ बैठ जाओ। रूलिंग पार्टी, लीडिंग कंपनीज, ब्रांड भी खौफ खा जाए, ऐसा वजन है हमारा। इन सबको ब्रेक करके तुमने इसे टच किया है। मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। मुझे खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं है। लाइफ में तेरी तरह रिस्क लेना मुझे भी बहुत पसंद है। पैसों के लिए कुछ भी करोगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी दूंगा और जरूरत पड़ने पर जान देकर भी बचाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड प्रॉब्लम में है, उसको 3 महीने की सिक्योरिटी देनी है। 3 करोड़ दूंगा। अपने गेम और ग्राउंड को
मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ सर। ठीक है, कल का ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगा, जाकर मिल लेना। डन। बाय द वे, गेम तो मुझे पसंद है लेकिन डबल गेम पसंद है। मैं बुलेट उतारने के बजाय आपने तो उसे डील देकर भेज दिया। बेटा पावरफुल इंसान हमारी ऑपोजिट में रहने से बेहतर हमारे साथ रहे। संतोष। अगर यही संतोष जिंदगी भर रखना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनो। बोलिए सर। यहाँ से जो कोई भी अंदर जाता है उसको वापस मेरे पास आना ही पड़ता है। मुझे भी राह दिखाई सर। अगर मेरे असिस्टेंट होते तो ही राह दिखाता। हाँ ठीक है सर। बॉस सर। यस सर, आ रहा हूँ सर। यस प्लीज। हेलो, मेरे पीछे आओ। आते ही नो डोमिनेशन, कम बैक। सॉरी सर, आते ही। ऐसा सम्मान देते रहना। फॉलो मी। May I come in, sir? Yes. यही है सर। संतोष। हेलो सर। लाइफ में खुद सब कुछ सेलेक्ट करने की आदत है लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मुझे सेलेक्ट करने आया है। Don't tell me what are the conditions. First condition, आपके हर दिन का प्रोग्राम मुझे एक दिन पहले पता होना चाहिए so that I can plan the schedule. Second condition, मैं जो कुछ भी करूंगा, जो भी decisions लूंगा, उसमें complete freedom चाहिए। और third, अमाउंट अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट, एवरी मंथ सेटलमेंट होना चाहिए। बस इतना ही? यस सर। आई हैव फ्यू कंडीशंस एज़ वेल। पॉइंट नंबर 1, आई एक्सपेक्ट लॉयल्टी। ओके सर। पॉइंट नंबर 2, मेरे किसी भी काम में तुम दखलअंदाजी नहीं करोगे। तुम्हारा काम मुझे सिर्फ सिक्योरिटी देना होगा। श्योर सर। पॉइंट नंबर 3, सडनली अगर इसने मुझ पर अटैक किया तो व्हाट्स योर रिएक्शन? आई विल शूट हिम। इसमें बुलेट नहीं है सर। मैंने क्या गलती की? गुड, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। ऑलराइट सर, एक बात और, इन्हें मेरा असिस्टेंट बना दीजिए। श्योर। सर, विजय का पूरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। गुड। उसके फादर को किसने मारा वो इसी कंफ्यूजन में जी रहा है। व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप सर? बिजनेस ब्रेकडाउन। पापा, इस पर माल ज्यादा आ गया है। डबल। ओह ग्रेट, जस्ट वन मिनट, वन मिनट। हेलो रतन। नमस्ते एंथनी जी। नमस्ते। आपने तो बहुत सारा माल भेज दिया, कमाल हो गया। Thank you so much for the gift. I am getting you one more gift. One more gift? You are free to take over Southern Cotton. Oh God! I was really waiting for this opportunity. All the best. Hey guys, come on, let's go and conquer the South. Yes, Dad. Sir, अगर आपको एक दिन नहीं देखा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। क्यों? सही कहा ना? हाँ सर। और आप जा रहे हैं एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, पूरे 3 महीने के लिए। अरे कैप्टन, काम इम्पोर्टेंट है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते, हमारे पास तो खुद लक्ष्मी आई है। मना करना ठीक नहीं रहेगा। सर पैसे तो आ जाएंगे पर उसका क्या फायदा होगा? आप तो बड़े दानवीर इंसान हैं कि आप तो सब लोगों में ही बांट देंगे। सर ये सब जरूरी है क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए। आप सबका ख्याल रखिए, मैं टच में रहूंगा। यस सर। ओके, आप लोग आराम से और खुशी से काम करिए एंड स्टे सेफ।
क्या? Is he American, African, Mongolian? कौन है वो? Vicky, Vicky, Doctor. Sorry, sir. He's gone back into a coma. मेरा बेटा उसके नाम से इतना डरता है मतलब. He's not a common man. Search the footages. Yes. 11 o'clock का official meeting है और 3 to 7 कैंसल है बेटा. आज मेरी छोटी बहन सिंगापुर से आ रही है. ओह करेक्ट करेक्ट, मैं तो भूल ही गया. टेक केयर ऑफ. ओके सर. फ्लाइट कितने बजे है? फ्लाइट वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है. अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी. आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसे ही है, किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता. ठीक है, डिटेल्स दो. डिटेल ही तो बताया अभी. कोई नाम, फोटो? हेल्थ को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है. ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप. आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढी है. मैं लेकर आ गया. दादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है. ये ऐसे ही दे दूंगा आपको. और नहीं ला पाए तो? नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे? अरे रुको. रेंज का मतलब रेंज रोवर में घूमना नहीं होता. पैसा आने के बाद भी आप सबके साथ हम्बल रहे. असली रेंज यही होती है. हम चांद को देखकर खुश तो हो सकते हैं,
लेकिन उसे हासिल करने की रेंज किसी की नहीं। आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर सुइसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर मिठाई और खाना। उसके बाद अनाथ आश्रम में छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर वृद्धाश्रम। उसके बाद अनाथाश्रम। उसके बाद बार मिल्क बार। शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने के बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके, एक मिनट, वही आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोज बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? हाँ? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी है, पैसे की प्रॉब्लम है भाई। अरे इसके आपकी दादी पापा मम्मी सब हॉस्पिटल में नहीं है भैया। ठीक है, बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु पैसे नहीं है। गुरु मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई, मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेच कर दारू पी रहा हूँ। गुरु सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है। वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। ओके, आप हार गई तो जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना, इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनेयर है, लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस रहते हैं। कौन ये? भोलापन होना ठीक है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ, 12-12 लड़कियों के साथ चुमके शादी की है। क्या 12-12? 12 क्या है इसके लिए? 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है। बाप रे, उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे? खुद ही पूछ लो। हाय निशा,
Happy wedding. Hi, Uncle. Don't call me Uncle. I'm still young. Call me Chaudhary. Chaudhary, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की तेरहवीं रानी है. गाड़ी बाड़ी नारी सब कुछ है मेरे पास. क्या बात बोली है आपने. पैसों के लिए लोग अपने सुख शांति खो देते हैं. करेक्ट. हमारे पास बहुत पैसे हैं. हमें आराम से जीना चाहिए. वैसे अब तुम भी शादी वादी कर लो. 16 आने सच्ची बात नहीं है. चूक गई, लेकिन यहाँ चूकने का चांस ही नहीं. वो देखो, उसका नाम है जॉन. 3 साल से डायलिसिस में है. डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने है. बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया. ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है. सीबीआई की रेड होने वाली है. पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी. समझ में नहीं आया क्या? इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है. अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता. मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल. जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश हैं वो. नो चांस. तो चांस लेके देख लो. हाय अंकल. अंकल. हाय निशा. आओ बैठो बैठो. आपकी हेल्थ बहुत खराब है मुझे पता चला. इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ. मेरे बिजनेस में पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया आपसे. अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ही ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में. बीच में? हाँ बीच में. अरे ग्रेट सर, अब मैं अभी चेक करके आता हूँ. आ जाओ. ओह डार्लिंग, वन मोर शॉट प्लीज. अंकल, ड्रिंक्स? ड्रिंक्स आल्सो मेडिसिन. ओके ओके, आई विल कॉल यू लेटर. नो नो नो, मीटिंग इज कैंसिल्ड. सर सुरेश. ओह सुरेश, यू आर फायर्ड. यू आर फायर्ड. मीट मिस्टर रमेश पाटिल. 75 कंपनी ओनर, 5 टेक्नो पार्क, 750 करोड़ इन्वेस्टमेंट. आपका? हाँ. ए बोले सर, फुल रिच. धरती पर रहने वाला हर इंसान सुखी नहीं है सर. फुल पेन, फ्रस्ट्रेशन. सर फुल रिच. हाँ, नींद, सोना, नहाना, नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास. मैडम ये बर्गर खा लूं मैं? ये बर्गर नहीं, सैंडविच. फ्रस्ट्रेशन, समझ में नहीं आता कि मीटिंग करूं कि खाना खाऊं. सर फुल रिच. अब तो मानोगे ना तुम हार गए हो. बोलो. बगल में छोरा और शहर भर में ढिंढोरा. आपका ऑनलाइन चैनल कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं सर, कोई देख ही नहीं रहा है साला. ना टीआरपी ना पैसा आ रहा है. फुल लॉस. बड़ी तकलीफ कौन समझेगा सर? क्या ऑनलाइन वाला चैनल तुम्हारा है? अरे तब तो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूँ. अरे देखिए ना, सिर्फ ये देख रहा है, ऐसे पैसा कैसे आएगा सर? अरे इसमें तो पापी पेट का सवाल है सर, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ. मैडम ये सब उससे नहीं होगा. उस दिन मैंने आपसे कहा था हमारे सर फुल रिच. लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा. हमारे सर फुल रिच. ए कौन नीचे, चल निकल यहाँ से. सर फुल रिच. खेल खत्म हो गया. सर फुल रिच. अरे कहाँ फंस गया. जीतना गलत नहीं होता है, गलत तरीके से जीतना गलत है. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट अप. तो आपने हार मान ली ना? कोई चांस ही नहीं. ये सब अमीरजादे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है. वीकेंड में पेरेंट्स से मिलते हैं कि नहीं ये भी डाउट है. अपने दुख मिटाने आए. कौन ये लोग? हेलो, आई विल गो इट. यू सी, जब करो लेट्स डांस. यस, चलो चलो. हेलो ब्रदर. हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड, थैंक यू. आई वांट टू आस्क यू समथिंग. हां बोलिए बोलिए. आर यू इन पेन? पेन? नो पेन, आई एम ओके. गुड वाइब्स ओनली. लगता है बहुत अमीर हो आप. हाँ बहुत. ओहो, फिर काम कौन करता है? अरे काम वाम कुछ नहीं करता हूँ मैं बस एंजॉय करता हूँ. कम ऑन बेबी. मैं सच कह रहा हूँ, उस उम्र में मेरे पास चिकी मूंगफली खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे. मनी रूल. बोलो, अब तो हार मानती हो ना? कैसे मानूं? हाँ मैं खुश दिख रही हूँ क्या? कौन कब मुझ पर अटैक करेगा पता नहीं. तुम जैसे को हायर करके जीना पड़ता है. हाँ ठीक है ठीक है, मैं हार गई. अब क्या? हाँ क्या चाहिए तुम्हें? वॉच, एटीएम कार्ड, क्या चाहिए तुम्हें? रो रही हो क्या? नहीं, आंखों से बस पानी बह रहा है. मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक किस दे दो. अरे बाप रे, किस? तो क्या बाप, मैं थोड़ी तो इज्जत चाहिए ना. मैंने सिर्फ एक किस मांगी है, इतना ही. चलो जल्दी करो, आपने कहा था जो मांगोगे वो दूंगी, अब दो. मैडम मेरी बात सुनिए. मैडम चुपचाप दे दीजिए. देखिए जुबान से मुकरना नहीं चाहिए. दे दीजिए दे दीजिए. रेंज को सूट नहीं कर रहे, जब मन करेगा मांग लो. आधी हुई फ्री किसको किस कर दिया? ईगो हर्ट करने का मतलब.
अपनी टेरिटरी को छोड़कर हमारी टेरिटरी में आकर शादी कर रहा है ना, समथिंग इज फिशी। खानदान का नाम बहुत बड़ा है ना, खानदान के साथ ही जाकर हम। शैतान वैज को भेज दिया, सबको काट के फेंक देंगे वो। दिस इज रियली गुड न्यूज, एंजॉय द मोमेंट मैन, ब्रेकफास्ट करो। Thank you.
अनजान दुश्मन से ज्यादा हमारे बारे में जानने वाला दुश्मन ज्यादा डेंजरस होता है। फिलहाल वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। वी मस्ट बी साइलेंट। करेक्ट सर, साइलेंट रहो। उसे हम फिर से अटैक करने दें, फिर हम कंप्लीटली साइलेंट मोड। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह ब्रेकफास्ट में 12 लोग थे, अभी डिनर पर कोई नहीं है, कंप्लीटली इंजर्ड। ये डिस्कशन का टाइम नहीं है सर, डिसीजन का टाइम है। नई कंपनी ओपन करो, पार्टी मीटिंग के नाम पर उनको इनवाइट करो, या आपकी बहन की एंगेजमेंट है ऐसा कह के उनको इनवाइट करो। शादी में बुलाकर उन्होंने खाना खिलाया, आप भी उन्हें बुलाइए और एहसान चुका दीजिए। ज्यादा दिन तक दर्द का रहना ठीक नहीं है सर। उसके बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज सॉरी सर। एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए हर फैसला सही होना चाहिए, लेकिन उसके पतन के लिए एक गलत फैसला ही काफी होता है। मेरा विश्वास है तुम्हें इन बातें याद रखो। हाँ विजय बोलो। जब डैडी नहीं रहे तो मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है? आई गिव अप। सब कुछ छोड़ देगा? हम एक ही फैमिली के हैं, मतलब तुम्हारे बच्चे मेरी फैमिली हुई, उन्हें कंटिन्यू करने दो। वेरी गुड डिसीजन विजय, वेरी गुड। बुरे लोगों से दूर रहना अच्छी बात होती है। सी यू, मिलें। हे गाइस, यस डैड, उतर गए अपना रीडर बुक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू गेम। संतोष, बारह दिन के बाद मेरी बहन की एंगेजमेंट है, शेड्यूल करेक्ट प्लान होना चाहिए। यस सर।
बहुत दर्द हो रहा है। पेन किलर खाया क्या आपने? मंगलसूत्र पहनाना बाकी है, अंगूठी पहनाने से क्या होता है? मतलब वो डिलीवरी लेके जा रहा है लेकिन घर तक पहुंचेगी नहीं। वो तीनों आपको इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मेरी एक छोटी सी मीटिंग है उनके साथ। हाँ, मैं वो निपटा के आता हूँ। Waste. Shoot it!
टेक्निकल आईज 360 डिग्री ऑन है। साथ मेरी फैमिली की भी जान बचाई है। तुमने अनजाने में हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प की है। मैं तुम पे भरोसा करता हूं। मेरे डैडी मुझे दो जिम्मेदारियां सौंप गए हैं। पहला ये बिजनेस, दूसरी मेरी बहन। और ये जिम्मा मेरे बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है। एक हफ्ते के लिए निशा को सेफ रखना है। इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके सर। Thank you.
उसके बाद सिंगापुर बोर्डिंग स्कूल चली गई। कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मैं हर साल अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार करती थी, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बल्कि उस रीजन से कि कम से कम डैड मुझसे मिलने आएंगे। सर्वेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन्हीं के बीच जिंदगी कटी। मेडिकल कंप्लीट करने के एक साल बाद मैं एक काबिल डॉक्टर हूँ ये भूल गई थी। कल फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने डिलीवरी कराई है। जब पहली बार मैंने तुम्हें आश्रम में देखा था तब मैं तुम्हें कैसी लगी ये नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुमने जब मुझे और मेरी फैमिली को बचाया, उस दिन से मेरी जिंदगी का हर एक पल सिर्फ तुम्हारा ही है। मुझे ऐसा लगता है I love you संतोष। This is the first security check. This is the second one.
This is the third one. From here to here, distance 0.75 kilometers. Be on full alert and attack with care. He's organized the business meeting for tomorrow, sir. This time we won't miss the target, so burn them all. Hi, everyone. Let's welcome our chairman, Mr. Vijay Gaikwad, on stage, please. Thank you.
मुझे सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने तुझे सिलेक्ट किया है। डर होना चाहिए। Activate our elite para commando unit. So who is leading? The intense attacker. We call him
James. He led 19 port operations with 100% success. Without a single casualty, he's a terror to all the terrorists. Highest commendation in para training. He is Major Santosh Kumar. Soldier, who has to die? Danger.
है जाता है रुक रुक तेरे पार्टी का प्रेम और शोर जय हो Santosh, for two reasons, I'm really proud of you. The first reason, you are an outstanding soldier. The second reason, aap hamare Karnataka ke ho. Thank you, sir. Gaon kab jane wale ho? Kal, sir. Agar samay mile, to hamare gaon Madkari ja kar aana. Haan, bilkul, sir. Lautte samay mera favorite. Mysore Pak lana mat bhoolna. Sure, sir. Lekar aunga. Jai Hind, sir. Jai Hind. सर मैंने सुना है आपने छुट्टी ली है सही सुना है कितने दिन के लिए लगभग 15 दिन 15 दिन सर आपके बिना हमें तकलीफ हो जाएगी हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ मेरे बिना कहाँ रहने वाले हो मेरे साथ आप भी आ रहे हैं सर लेकिन मैं कैसे आपकी छुट्टी की भी बात कर ली है सर दिल के करीब रहते हैं दोस्त दिल के ज्यादा करीब रहते हैं भाई लेकिन आप तो मेरे लिए उनसे भी करीब है आप आएंगे तो अच्छा होगा मैं जरूर आऊंगा सर ओके क्या हुआ आप इतनी टेंशन में क्यों सर आप कहेंगे तो मैं युद्ध में लड़ लूंगा लेकिन फ्लाइट पर चढ़ना मेरी सांस रुक जाती है लगता है किसी ने डब्बे में पैक कर दिया तो इसे भी युद्ध समझ लेना बस मैं ऐसे ही करूंगा सर सर अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछो हाँ पूछो सर आप तो हमेशा देश और ड्यूटी को लेकर सीरियस रहते हैं मैंने कभी आपसे कोई पर्सनल बात नहीं पूछी और आपने मुझे बताया भी नहीं अभी पूछ लूं क्या पूछो सर आपका परिवार कहाँ है मेरा परिवार कहाँ है अभी शादी नहीं हुई है मेरी शादी के बारे में नहीं पूछा आपके परिवार में मम्मी पापा भाई बहन कोई तो होगा सर के साथ कोई नहीं है क्या नहीं सर जी भगवान जो है वो सबसे प्यार करता है लेकिन कुछ लोगों से इतना प्यार करता है कि उन्हें अपने पास बुला लेता है हमारा कोई नहीं है हम अनाथ है ऐसा मत समझो ये धरती ही तुम्हारी माँ है ये पूरा देश ही तुम्हारा घर है यहाँ पर रहने वाले इंसान तुम्हारे अपने हैं आज के बाद तुम सब एक दूसरे के भाई भाई हो वेलकम मेजर अरे ये फॉर्मेलिटीज किस लिए यार
हाय मेजर। क्या हुआ, तुम सब इतने पतले कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ आराम है, बस थोड़ा वर्क प्रेशर तो रहता ही है ना। अरे क्या प्रेशर यार, प्रेशर को प्लेजर समझ लो, बस जिंदगी आराम से कट जाएगी। ओके मेजर, क्या बात बोली आपने सर। मेजर ये राकेश कुमार पिरंगी है ना? यस सर, आपने तो उन्हें मेरे बारे में पहले से बता रखा है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मदन कहाँ है? आ गया। हे आइए आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम। वो लघु शंका क्षमा कर दीजिए, बताइए कैसी रही यात्रा? विमान विलंबित हुआ ना, मेरे अनुमान से आपने भोजन नहीं किया होगा। चलिए सब साथ मिलकर खाते हैं, ये सामान मुझे दीजिए। आजकल की जनरेशन है एकदम शुद्ध। मैं पक्का देसी हूँ जी, अपनी संस्कृति नहीं भूलता, देश से मुझे बहुत प्यार है। एकदम चकाचक। गिव मी योर सामान। कष्ट ना करें, मैं स्वयं कर लूंगा। अवश्य। कॉफी शॉप है, यहाँ आकर कॉफी पीने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। बाय द वे ये मदन है, जनाधीन पत्रिका का चीफ एडिटर है। इसको समाज की बहुत चिंता है। ये है एकांत, बहुत ही होनहार है। ये एक जिला अधिकारी के तौर पर लोगों की सेवा कर रहा है। ये है जगन, आईपीएस ऑफिसर वर्किंग इन एनसीबी। और ये है अमर, रामनगर में एसीपी है। सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली भी। मामा कल मुझे बॉक्स भर के चॉकलेट चाहिए। और एक आज जो दिया है वो आज रात को ही खत्म हो जाएगा ना। बच्चों को चॉकलेट खिलाना तुमने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया। मुझे एक डेरी मिल्क भी चाहिए। ओके मामा, मुझे किंडर जॉय भी दोगे ना? ऑलरेडी तुम लोगों ने अपनी चार चार दांत खराब कर लिए है और फिर से चॉकलेट चाहिए, जो बचे वो भी चले जाएंगे। अरे खाने दीजिए, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? सर आप चॉकलेट की दुकान खोल लीजिए सर। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ आपके बारे में चर्चा होती ही रहती है। मेरी चर्चा? मॉल, मेट्रो, मार्केट, जहाँ भी जाए, ये लड़की सूट होगी क्या, वो लड़की सूट होगी क्या, सिर्फ यही बातें चलती रहती है। इन्होंने मैट्रिमोनी भी नहीं छोड़ा, सब जगह ट्राई कर रहे हैं। ये सब क्या यार? बिल्कुल मेजर, ये मैटर अब तो तुम्हें बहुत ही सीरियसली लेना होगा। इस बार तुम्हारा हमसफर भी तुम्हारे साथ जाएगा। करेक्ट मेजर। अब अगर तुम लोग सब इतने सीरियस हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है। अगस्त 1st फ्रेंडशिप डे, इसी दिन हम सब इस आश्रम में मिले थे। हर साल हम जहाँ कहीं भी हो, चाहे जितना भी बिजी हो, आज के दिन हम सब जरूर मिलते हैं। सारे काम छोड़ कर इस आश्रम में आते हैं। फ्रेंडशिप डे पर ही हम पांचों मिलकर अपना बर्थडे मनाते हैं। अन्नदान और विद्यादान जहाँ हम जिंदगी भर कर सकते हैं, वो जगह है ये आश्रम। हमारे जैसे हजारों लोगों का घर बस ये आश्रम ही है। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। आपके आश्रम में बड़े होकर आगे इस समाज में ये सारे बच्चे कामयाब और नेक इंसान बनेंगे, ये विश्वास है मुझे। जैसी आपकी इच्छा। नमस्ते। ठीक है, जाकर आइए। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि बड़ा होकर मुझे इनके जैसा बनना है। हर इंसान के जीवन में एक गोल और एक गुरु होना चाहिए। हमारी जिंदगी में उन्होंने हमें गोल दिखाया और ये हमारे गुरु हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, यही इंसान की असली दौलत है। अगर हमसे चार लोगों का भला होता है तो वो फल है। हमसे किसी का कोई नुकसान ना हो तो वो उपासना है। कलयुग का अंत हो जाएगा पर सीख खत्म नहीं होगी। अपने अंदर सीखने की नियत निरंतर होनी चाहिए। अगर परम श्रेष्ठ आत्मा हमारी है तो परमात्मा हमारे अंदर बसेगा। सर इंसान का बचपन मजबूत हो तो वो कभी हार नहीं मानता। भगवान का आशीर्वाद और बचपन में हुई दोस्ती दोनों जिंदगी भर साथ रहते, सुनकर खुशी हुई सर। पादा कं
यस सर, आई बी देयर। राइट सर। ए जगन, इतनी टेंशन में क्यों है तू? एक इम्पोर्टेंट काम है। यू गाइस कैरी ऑन, आई विल जॉइन यू गाइस टुमारो। जगन आज तो रुक जाओ। आई एम सॉरी सर, लोग कभी कभी अपना मकसद भूल जाते हैं लेकिन आप कभी नहीं भूलते। ग्रेट सर, अगर आप जैसे और लोगों के तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। वैसे हमें कहां पहुंचना है सर? पांडिचेरी सर। वहां कुछ खास है सर? आपको खेल के बारे में नहीं पता और आप स्टेडियम में आए हो। सर मुझे यहां के खेल के बारे में नहीं पता लेकिन वहां के बारे में पता है। डिश क्या हो? हमारे एकांत की शादी है। क्या एकांत की? अरे हैप्पी मैरिज। अरे कंफ्यूज मत होइए, एकांत ये नहीं, ये इसको पांडिचेरी में ही कांग्रेचुलेशंस बोलना। आइए चलते हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजिए। जो काम दिया है उसको पहले ठीक से पूरा करो, बाद में आगे का काम बताऊंगा। गॉट इट? मेरी हां, वो केटरिंग वाले को बता दिया है ना? तो बताया। फादर को भी बोल दिया है ना? अरे आपने ही तो बताया था। और फ्रेंड्स रिलेटिव्स वेलविशर्स सभी को बोल दिया है ना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, संभाल लेना। हां हां, आप तो भूल गए। करेक्ट है, फिर भी तुम मुझे याद करवाते रहना। अरे बेटा, पापा ऑल सेट है ना? बेटा हां पापा, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है पापा। 10:30 बजे दामाद जी को यहां होना चाहिए था, अभी 11:30 बज गया, उनका कोई ऐसा पता नहीं है। यू हैव टू सेट हिम राइट आफ्टर मैरिज, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी में ठीक कह रहा हूं कि नहीं? अभी तो 10:25 हुए। अरे ये वॉच को अभी खराब होना था। जी के साथ उनके दोस्तों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपको देखकर तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो गई। पता है क्यों? क्यों सर? उन्होंने पूछा क्या? सॉरी, क्यों सर? मिलिट्री वालों को देखकर गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जवान सर, आई एम अ रिपोर्टर सर। मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है क्यों? क्यों सर? पूछो मत। आई एम अ रिटायर्ड कैप्टन, विशाखापट्टनम के पोर्ट पे 30 साल मैंने सेवा की है। सर आप तो नेवी वाले हैं और हम ठहरे आर्मी वाले सर। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एकांत ने बताया बहुत खुशी हुई सर। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे पसंद नहीं आया। पूछो क्यों? क्यों सर? मेरी बेटी दामाद जी को अपने साथ लेकर आई और बोली कि मैं इनसे शादी करूंगी। ये मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में मेरे दामाद जी ने मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त सेना में है तो मुझे पसंद आ गया और मैंने हाँ कर दी। पूछो क्यों? क्योंकि मिलिट्री आपको बहुत पसंद है सर। करेक्ट है। और एक बात सुनिए, ठीक बताइए ना सर, 1971 यस सर, द गाजी अटैक, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध। एक मिनट, इसके आगे सर? लगता है इसके सिर में चोट लगी। मैंने सुना। अरे सॉरी सर। क्या बोल रहे हैं, कितने अच्छे इंसान है ये। ससुर सुपर है और लड़की डुपर है। सर आपके फ्रेंड को बम्पर इनाम लगा है। क्यों पूछो? क्यों सर? उनसे ही पूछना पड़ेगा। चलो तो पूछूंगा। मैंने कितनी बार कॉल किया, कॉल पिक क्यों नहीं किया? सब लोग साथ में थे ना इसलिए। मुझे ये सब पसंद नहीं है। नाराज मत होना, हमारा बंदा ऐसा ही है। आपकी जो भी कंप्लेन हो ना मुझे बता देना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। मम्मी बुला रही है, मैं बाद में मिलती हूँ। बेटा शादी के पहले ये सब चीजें समझ भी नहीं आती, शादी के बाद ही असली खेल शुरू होता है। या रेस्ट इज ऑल फाइन, मे द प्रेज बी विद ऑलमाइटी। जय हिंद कर्नल। हाय सर। यस, आपके आचार विचार सत्कार संस्कार ये सब कुछ देकर विकार से मैं साकार हो गया सर। मुझे हर्षोल्लास हो रहा है सर। कौन सा उल्लास? हर्षोल्लास सर, पसंद आया सर? सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। मुझे भी सर। सर आपको कोई काम होगा तो बताना, मैं रिपोर्ट करूंगा। सपोर्ट करूंगा ना। हाँ ये मुझे पसंद है। पसंद आया सर? थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन। कमिंग। मैं भी कम हूँ क्या? पसंद सबको आना ही चाहिए ना, पसंद को पसंद में बदलना ही मुझे पसंद है। मेरे ब्रदर्स मेरी बात माने बिना इंडिया चले गए, अभी वो NCB के कस्टडी में है। विजय, आई नीड योर हेल्प। बिजनेस में तुम्हारे टर्म्स में करूंगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर हमने थोड़ी सी निकलते की तो हमारा एंटायर बिजनेस कोलैप्स होने के चांसेस है। बिजनेस अभी हमारी तरफ टर्न हो गया है, ये रिस्क लेने का टाइम है तो ले लेते हैं। ये हमारे साहब है, अच्छी फोटो दिखाना। ये हमारे गांव का लड़का है सर, बड़ा आदमी बन गया है, पर ये दिखता तो छोटा ही है। अपना विकिपीडिया सुनो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वड़कम, सलाम वालेकुम, राधे राधे। सर ने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये देखिए सर, ए से लेकर जेड तक सारी क्लास की लड़कियां मिलेगी आपको मेरे पास। लड़की का फोटो देखकर आप सिलेक्ट कीजिए, उनका बायोडाटा, उनकी फैमिली का बायोडाटा, सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। ये देखिए सर, ये वाली लड़की बहुत रिच है सर, ये जमीन पे चलती नहीं, सिर्फ उड़ती है। आप कहेंगे तो मैं पकड़ लूंगा इसे। सर ये वाली देखिए, ये तो अप्सरा है सर, इसको मनाना मुश्किल है सर, ये लड़कों को हानि करती है। ये पसंद आई क्या? या फिर इसको देखिए सर, ये घरेलू टाइप की है लेकिन घर वाला कोई भी काम इसे नहीं आता है, सिर्फ ऑनलाइन फूड मंगवाना आता है। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है सर, शादी का मतलब एडजस्टमेंट सर। वैसे क्या आपकी कोई डिमांड है सर?
एक रिक्वेस्ट, बोलिए ना। पैसों को अहमियत देने वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल मैंने सिर्फ अपने देश के लिए जीने का फैसला कर लिया है। ओके सर। मैं यहाँ आया हूँ इसकी शादी के लिए, इसलिए मेरी शादी की बात मत करो। ठीक है सर। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो मैं इन सबको बताऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा, समझ गए ना? गुड लक। तू रिजेक्ट है, निकल चल। जूस पियोगे क्या? ठीक है सर। आओ तो फिर निकलो। सर बात ऐसी है कि किसी लड़की के लिए धन दौलत कमाने वाले लड़के मैंने बहुत देखे हैं, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, लेकिन अपने देश के लिए अपनी इच्छाओं को मारने वाला ऐसा लड़का मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सैनिक एक रियल हीरो होता है सर। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। जल्दी निकल। सब कुछ कंट्रोल में है, नथिंग टू वरी। आई विल कीप अपडेटिंग सर। ओके। हाय जगन, सारा काम खत्म हो गया? सब ठीक है ना? एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बोलना। 3 months back मेरे कलीग का भाई श्रवण, he is an engineering student, उसने सुसाइड कर लिया। केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय मुझे पता चला कि he was into drug peddling। थोड़े दिन पहले हमने पेडलर्स को अरेस्ट किया था, उन लोगों से हमें मेजर इन्फॉर्मेशन मिली। इंटरनेशनल ड्रग पैकर्स एक कोलैबोरेशन के लिए बेंगलोर आए, स्पेशल टीम को फॉर्म करके हमने एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वो लोग पैडलर्स नहीं है बल्कि ड्रग लॉर्ड्स हैं, एंड दे बिलोंग्स टू द मोस्ट नोटोरियस कार्टेल, द गोल्डन हॉर्स। फर्दर इन्फॉर्मेशन से पता चला कि इंडिया में 2 मेजर ड्रग सिंडिकेट एक्टिव। इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रही है, अगर ये न्यूज ब्रेकआउट हुई ना तो एक बहुत बड़ा सेंसेशन क्रिएट होगा मेजर। एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू देम टू, इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। चीयर्स। गुड जॉब। थैंक यू मेजर। अच्छा मुझे जो चीजें पता है मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ। तुझे पता है हमारा जो रिसेंट ऑपरेशन है वो ड्रग्स से रिलेटेड है। आई सी। ड्रग्स, इलीगल आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें इतना पैसा है दैट यू कांट इवन इमेजिन। जहां ज्यादा पैसा वहां पर उतना ही बड़ा गेम। इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पैसों को हाथ मत लगाओ, लगाओ तो सीधा खत्म कर दो, वरना हम जैसे लोग टीवी पर सिर्फ न्यूज बनकर रह जाते हैं। एक सजेशन, जितना जल्दी हो सके उन्हें कोर्ट में पेश करो। सेकंड सजेशन, सिक्योरिटी। तो चाहे काम पर हो या हॉलिडे पर जाए, तेरे और तेरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, प्लीज स्टे अलर्ट। तू जितना ज्यादा अलर्ट रहेगा उतना ही अच्छा होगा। यस मैम। प्लीज सर। सर आपका टेरर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपके दोस्त भी सारे ऐसे ही हैं। क्या सब कुछ सुन लिया क्या? हाँ सर। इसीलिए कहते हैं इंसानों में अपने दोस्त की पहचान होते ही इंसान और इंसानियत को हम एक कर सकते हैं। आप तो मुझे ज्ञानी बना के मानेंगे। चलिए सर। आपका सजेशन रिजेक्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। देख लिया कि तुम्हें अरेस्ट करने की हिम्मत तो उनमें है, पर इस गलती का क्या अंजाम होगा ये उन्हें पता नहीं है। डर क्या होता है ये दिखा दो उन्हें। श्योर। जब तुम्हें अरेस्ट किया था उस वक्त तुम्हें जो पेन हुआ, इंसल्ट हुई, एम्बैरेसमेंट हुई, ये उन्हें भी होना चाहिए। शो देम हेल। यस। आए सब लोग। फिरंगी जी, क्या बोला तुमने? आपने मेरी मिसेस को कहीं देखा है क्या? दोबारा बोलना। फिरंगी। मैं फिरंगी नहीं हूँ, मैं फिरंगी हूँ, समझे? सॉरी सर। मेरे पिता होली नायक फिरंगी, मेरे दादा आनी नायक फिरंगी, मेरे परदादा राजहंस फिरंगी। अरे बहुत बड़ा खानदान है हमारा। आपको इस बिगाड़ को नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। किसे सर? पहले जिसका नाम बिगाड़ते हैं उसे, और फिर जो बिगाड़ता है उसे भी। सर कहाँ रखा है? क्या? फिरंगी गन को। वो हमारे खानदान की कीमती चीज है, युद्ध में इस्तेमाल करते हैं उसे। तो गंदी नहीं होती सर? गंदा नहीं होता है, बीच बीच में साफ करते रहते हैं, नारियल के तेल से, दूध से। मदन आप यहाँ पर हैं? नैना आपको कब से ढूंढ रही है, जल्दी चलिए। गन को दूध से भी साफ किया जाता है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। मैं तो कल ही जाकर आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लूंगा, ना रहेगा फिरंगी ना बनेगा फिरंगी। Thank you.
आपने कहानी नहीं बताई सर। हाँ कहानी 1971। हाँ सर गाजी अटैक। हाँ सर भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध। हाँ सर दिल दुखी हो गया यार, बहुत तकलीफ होने लगी। पाकिस्तान वालों को सर? कल सुबह बेटी ससुराल चली जाएगी यार, ये सोच के थोड़ा भावुक हो गया हूँ। I know. सोल्जर हूँ मैं, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। I know. एक मिनट रुक जाए। मैं कहानी बताता हूँ। हाँ बाद में बताता हूँ सर। कितना अच्छा दृश्य है सर, आपके दोस्त आप पर जान निछावर करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। वरना आज के जमाने में अपने सगे संबंधी यहाँ तक कि भाइयों पर भी भरोसा नहीं होता। हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है सर, तकलीफें साथ झेली, हमारे बीच प्यार कुछ ज्यादा ही है। आप लोगों की दोस्ती ऐसी ही बनी रहे, किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए, आप हमेशा खुश रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ये सब ऐसा ही रहे। बहुत सीखा है मैंने यहाँ लाने के लिए, शुक्रिया सर। और संतोष तुम यहाँ हो? यस सर। और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। कहानी सुनोगे? श्योर सर, कहानी बताइए सर, बैठ कर बताओ। ओके एक्चुअली 1971 गाजी अटैक इंडिया पाकिस्तान वॉर, बहुत बड़ा युद्ध, इससे आगे बताइए ना सर। सर सो गए सर। सर सर उठिए ना सर। सर 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 मैं कहां हूं बताओ मुझे। हम धारावी में हैं। नहीं हम तो अभी लोनावाला में हैं। नहीं नहीं हम तो पांडिचेरी में। मीना मुझे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है प्लीज। सर कहानी बताइए ना सर। समवन हेल्प मी प्लीज। आई एम ओके। आई एम एब्सोल्यूट सर। डोंट वरी। इसे बताइए ना सर। थैंक यू सर। आई सर सो 1971। अरे ये कहानी बताएगा नहीं, हम आगे सुन नहीं पाएंगे। चीयर्स। हियरिंग बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो दे सकती हो ना। क्या कहा? दो हाँ। क्या सबके सामने? वाह देखो सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी हैं, कोई हमें नहीं देख रहा, यही परफेक्ट टाइम है। क्या ना कि जो चीज लो उसे लौटा देना चाहिए। नाउ योर टर्न। बच्चों का खेल है क्या? जल्दी दो ना यार। जैसी मैं तो किसी मांग रहा था तुम तो लिपटी गई। लोग देख रहे हैं। ए Thank you.
बहुत दर्द हो रहा है। तुझे गुस्सा आ रहा है मुझे अरेस्ट करके गोल्ड मेडल लेके इतिहास रचना चाहता है, लेकिन आने वाले इतिहास में तेरा बैड चैप्टर होगा। मैरिज पार्टी में ड्रग्स लेकर इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा करके एक दूसरे पर फायर करके सबके सब मर गए। IAS IPS ऑफिसर्स ऑन हाई, ये होगी ब्रेकिंग न्यूज। हैप्पी जर्नी। रब को पल दो पल को मैं
से हमारे कुछ दोस्त आए हैं। किसने किस लिए ये टारगेट बनाया था, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुश्मनों के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली, उनका ठिकाना और वो क्या काम करते हैं, हमने सबके बारे में एनालाइज करना शुरू कर दिया। रॉबिन, जॉन और पीटर, यू कैन अटेंड टू लेटर। हेलो, हु इज दिस? James, are you my friend? Enemy, enemy. तूने मुझसे मेरे दोस्तों को दूर किया है, एक खूबसूरत परिवार को बर्बाद किया है तूने, बहुत बड़ा दर्द दिया है। Mark my words, सूद समय तुझे लौटाऊंगा, तेरे अपनों को दूर कर दूंगा तुझसे, असली दर्द क्या होता है तुझे महसूस कराऊंगा, and finally, I will kill you. You're welcome, James. मिलिट्री का कोड नेम, दोस्तों की याद में रखा गया नाम। उस दिन उनकी कही बातें सिर्फ बातें नहीं थी, एक दहाड़ थी।
वी आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस। तुम्हारे साथ बिजनेस मेरा बेटा नहीं चाहता। वी आर कैंसलिंग द डील। सर, गायकवाड़ ग्रुप्स ने हमारे सिंडिकेट को क्विट कर दिया है और हमारे सी हंटर्स उस किलर के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहे हैं। ओके। इस घटना के एक हफ्ते बाद भी जोसेफ एंथनी के लोग संतोष को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे। वो सी हंटर्स संतोष के जैसा दिखने वाले एक आदमी को मारकर 4 दिन तक उस बॉडी को समुद्र में ढूंढते रहे। लेकिन उस वक्त मैं और संतोष सर ब्रिगेडियर के ऑफिस में थे। Your intention was right, लेकिन तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ रास्ता was absolutely wrong. Being a soldier without informing the authority, border को क्रॉस करके जाना, your first big mistake. अपने पर्सनल रिवेंज के लिए इतने लोगों को मार डालना, your second big mistake. Actually, under the military code of conduct, तुम्हारा कोर्ट मार्शल होना चाहिए, but considering your service to the nation, you are excused. Get well soon and report to me as soon as possible. अब बताओ कौन है गद्दार? पूरी दुनिया को नाश करने वाला तुम्हारा भाई या ऐसे लोगों को दुनिया से क्लीन करने वाला संतोष? वो बुरे नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान को पहचानना सीखो। It's not a joke.
एज डीमन। इज राइट, यहां पावर से ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है। सीधा टैकल करने से अच्छा है उसे टेढ़े ढंग से हैंडल करें। इट मस्ट बी अ लेसन फॉर आवर एनिमी। Thank you.
कमजोर कंपेटिटर है, ये मैंने सोचा नहीं था। अभी इस वक्त एक सेकंड में 100 बुलेट तेरी बॉडी में उतार कर रख दूंगा। तुझे एक चांस देता हूं, मौत से पहले अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल। मुझे दोस्त पसंद है और देश तो मुझे बहुत 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 ही ज्यादा पसंद है। इंडिया में कोई भी ड्रग सिंडिकेट को मैं एक्टिवेट नहीं होने दूंगा सर। अपने दोस्तों के सपनों को मैं सच करूंगा सर। I was so desperate to hear this, Josh. Special opportunity is waiting for you. We are assigning you to lead a special covert operation, Mission Narc. Choose your team. Yes, sir. Are you ready, soldiers? Yes, sir. Are you ready for the operation? Yes, sir. Jai Hind. प्यार हो गया है। तुम मुझे सच में पसंद करती हो क्या? हाँ। मैं जो भी कहूँगा वो करो। करूँगी। प्लान तेरा था, लेकिन एग्जीक्यूशन किया मैंने। Thank you.
लेकिन सही तरीके से कमाई हुई हर चीज अंत तक कायम रहती है। मेरे अपने वो सोंदे सपने अभी